दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप फेसबुक ऐड के जरिए अपने एप्लीकेशन को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अब देखो क्या होता है, ये आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन को प्रमोट करना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना, ठीक है। और आजकल जब से एप्लीकेशन ने मतलब गए 2-3 सालों में जब से iOS में ये सिक्योरिटी आईज है, मतलब बहुत सारी सिक्योरिटीज आ गए जिसके थ्रू हम लोग फेसबुक पे ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से ऐसा मतलब लोगों को लगने लगा है हमारा जो मतलब जो इंटरेस्ट के हिसाब से हम पहले एडवर्टीजमेंट कर पाते थे फेसबुक पे, अब वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक्चुअल में ये मिथ है, ऐसा है नहीं। यस, ये पॉसिबल है, फेसबुक एड के जरिए ही पॉसिबल है। ये मेरे आने वाले कई वीडियोज में भी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, बट आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको मैं कैसे प्रॉफिटेबल ऐप मतलब आप बना पाओगे फेसबुक ऐड के जरिए, ठीक है। आप गूगल ऐड के भी जरिए बना सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है गूगल ऐड पे अपने ऐप को रन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे देखो वहां पे यूजर को टारगेट करना बहुत इजी है और बहुत सारा कस्टमाइज मिल जाता है, क्योंकि गूगल के प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, गूगल के जो ऐड नेटवर्क्स है वहां पे आप प्रमोट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फेसबुक पे क्या है, सिंपल फेसबुक इंस्टाग्राम इन दोनों पे भी अगर आपने टारगेट किया ऑडियंस को तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ऐप बना पाओगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉफिटेबल ऐप बनाने के लिए आपके एप्लीकेशन में रेवेन्यू मॉडल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मान के चलो कि आपका एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है जो फ्रीमियम है, मतलब जहां पे आप कंटेंट फ्री दे रहे हो, काइंड ऑफ न्यूज एप्लीकेशन हो सकता है, वो वॉलपेपर टाइप एप्लीकेशन हो सकता है, या ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आपके कंटेंट सारे फ्री में, आपके हार्डवर्क बहुत ज्यादा लग रही है, बट जो आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, वहां से फिर आप ये सोचो कि स्टार्टिंग के जो आपके इनकम रहेंगे वो बहुत कम रहने वाले हैं, या फिर उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो आपका एप्लीकेशन फ्रीमियम है तो आपको अपने एप्लीकेशन और अपने कंटेंट पे इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा कि आपका अगर वहां से यूजर आ रहा है तो एटलीस्ट वो रुके, वेट करे आपके एप्लीकेशन पे, वेट मतलब इंगेज रहे आपके एप्लीकेशन, यानी कि वो आपके एप्लीकेशन को वो डेली यूज करे। और अगर आपके एप्लीकेशन, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, अपने एप्लीकेशन के अंदर ना एक रेवेन्यू मॉडल रखो ही मत, सिर्फ फ्री मत रखो, कुछ ऐसे टूल्स कुछ ऐसे फंक्शंस को पेड रखो। अगर तो आपका एप्लीकेशन प्रीमियम है जहां पे आप कंटेंट सेल कर रहे हो या सर्विसेज सेल कर रहे हो या कुछ भी अपने टूल्स को सेल कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाओगे। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, और हमारे कुछ ऐप्स ने ये एड नेटवर्क के थ्रू बहुत अच्छा खासा अर्न किया, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बट इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अपने एप्लीकेशन के अंदर कभी भी सिंगल रेवेन्यू मॉडल मत रखो। जैसे कि अगर आपने एड रखा है तो उसके जो टूल्स रहते हैं, उसके जो कंटेंट्स रहते हैं, कुछ प्रीमियम भी रखो ताकि आपका अर्निंग करने का वे स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। दूसरा, फेसबुक पे एड को रन करना बहुत ईजी है, उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एड के कोर्सेस वगैरह भी हैं जो कि आप उसे स्किप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप खुद भी फेसबुक पे जब आप एड रन करने जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर उनके जब भी आप ऐड पे या फिर कुछ लगाते हो ना ऐड, वहां पे नीचे सब लिखा रहता है कि ये जो फी टेक्स्ट फील्ड है ये किस पर्पस के लिए है, या वहां पे ऑटोमेटिक ऐड ऑटोमेट ऐड भी दिए गए हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप ऑटोमेट ऐड को रन मत करो, खुद से कस्टमाइज करो, उसके बाद आप रन करो, ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और अपने एप्लीकेशन में प्रीमियम के साथ साथ प्रीमियम चीजों को भी रखो तो आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे अपने एप्लीकेशन से, ठीक है। फिर वो किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, या फिर अगर आप सर्विस भी रन कर रहे हो ना, सर्विस बिजनेस रन कर रहे हो, तो भी आप फेसबुक ऐड के जरिए बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। वैसे अगर गूगल ऐड की बात करो तो गूगल ऐड के मैंने काफी सारे वीडियोस बना के रखे हैं पास्ट में, बट अभी मुझे लगता है गूगल ऐड अपने आपको काफी ज्यादा अपडेट कर चुका है, तो कुछ नई सीरीज लाने की जरूरत है जो कि मैं लाऊंगा। और अभी मेनली मेरा फोकस है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने भी ऑडियंस है जो मुझे देखती है, उनके लिए मैं एप्लीकेशन के थ्रू कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल आप अपने आप को कैसे बना सको। जैसे कि मैंने इसमें दो पॉइंट बोला, प्रीमियम दोनों का, अगर आपका सिर्फ प्रीमियम है तो ज्यादा फेसबुक ऐड से कमा पाओगे इजी वे में। कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये वैलिड है। और अभी भी अगर आपने अपने एप्लीकेशन में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है या फिर प्रीमियम चीजों को रखा है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा वहां पे कुछ तो कुछ प्रीमियम चीजें लाए। प्रीमियम चीजें आप क्या ला सकते हो, प्रीमियम एप्लीकेशन के टूल्स लाओ, थीम्स ला दो अगर प्रीमियम है तो, प्रीमियम टूल्स लाओ, प्रीमियम थीम्स लाओ, प्रीमियम कंटेंट्स लाओ, ऐसा कुछ लाओ जहां पे जैसे MX Player ने पहले बहुत सारा फ्री कंटेंट दिया, बाद में 1 रुपीज पर डे का कर दिया, मतलब MX गोल्ड, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास भी होना चाहिए। पबजी या गेम अगर आप देख लोगे या कोई भी गेम, पूरा फ्री रहता है गेम, बट उसके अंदर के कॉइन्स आपको बाय करने पड़ेंगे, कुछ नया उसमें बाय करने के लिए, किसी प्लेयर का ड्रेस चेंज करने के लिए आपको कुछ बाय करना पड़ेगा। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने एप्लीकेशन में इंप्रूव करने की जरूरत है, उसके थ्रू ही आप अपने एप्लीकेशन को प्रॉफिटेबल बना पाओगे। क्योंकि जब तक आपके पास वो टूल्स प्रीमियम नहीं रहेंगे, तब तक फ्री का एड नेटवर्क से अर्निंग करना बहुत मुश्किल है, और आज के इसमें तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर कोई बात नहीं, अपन इस वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं, बट मैं मेरे नेक्स्ट सीरीज में, ये तो मेरे पास पार्ट 1 था, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था, बट नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे एड रन कर सकते हो और कैसे अपने आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो में।